अरे रुक रुक, पहले मुझे जाने दो फिर खेल लेना। अरे अंकल तुम साइड से भी जा सकते हो ना, बीच बीच पे क्यों चल रहे हो तुम? क्यों, ये मैदान तुम्हारे बाप का है क्या? इधर से मेरी मर्जी होगी उधर से जाऊंगा। और हाँ, मुझे बॉल नहीं लगना चाहिए, अगर बॉल लगा ना पुलिस को बुला लूंगा, केस ठोक दूंगा केस। अरे अंकल वो खड़ूस है यार। अंकल अब बॉल डालू या आपके घर पहुंचने का इंतजार करूं? अरे जो चाहे करो, चला डालना ये आजकल की जनरेशन। अब तेरा मिडल स्टंप गया गुल। अच्छा अब किसकी डंडी गोल? आइए इंस्पेक्टर, यह है मेरे मामा का घर। सर दो बाईपास और तीन हार्ट अटैक को सरवाइव करने के बाद किससे पता था कि उनकी मौत एक बॉल लगने की वजह से हो जाएगी? मिस्टर खरकनी से अकेले रहते थे? दो साल पहले मामी जी की मौत हुई, तब से तो मामा यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। मैंने तो कई बार कहा कि वो वसई वाले घर में चलकर हमारे साथ रहे, पर जब कुदरत ने उनकी मौत उनके खुद के घर में लिखी है तो हमारे साथ कैसे जाते? तो क्या सर आप उन लड़कों पर केस करेंगे जिनके क्रिकेट बॉल लगने की वजह से मामा जी की मौत हुई है? नहीं मुझे नहीं लगता, उन्होंने थोड़ी तुम्हारे मामा को जानबूझ के मारा था, बस बदकिस्मती और पूरी टाइमिंग थी। हाँ ये तो ठीक है सर, पर ये क्या है? मैं तो अभी देख रहा हूँ उसको। डॉल? मामा जी को कब से डॉल का शौक हो गया? सर इसने कपड़े भी मामा जी जैसे पहने हैं, इसके सर पे ये क्या है सर? रेड रेड क्रिकेट बॉल। ये पार्सल तो आज से 5 दिन पहले काम देवी पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच हुआ है। यानी मामा जी की मौत से 3 दिन पहले? वो 3 दिन बाद तुम्हारे मामा की मौत होती है, यानी कि कोई तुम्हारे मामा को उनके जैसी गुड़िया बेचता है जिसके सर पे बॉल है। ये कैसे संभव है? आपने वुडू के बारे में सुना है? वुडू? Come on Varun, come on, come on, come on, it's all in the mind, come on, चलो 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 चलो। सर आपकी लाइन ऑफ वर्क में मेंटल ट्रेनिंग समझ में आती है सर, ये फिजिकल ट्रेनिंग क्यों? मेरे गुरु कहा करते थे कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सक्षम होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में रक्त की दौड़ और तेज हो जाती है, हमारी सोच बेहतर हो जाती है। सर आपके गुरु जी बहुत अच्छी बातें करते थे। एब्सोल्युटली। क्या नाम है उनका? विद्याधर गोखले, पुणे कॉलेज ऑफ लॉ में प्रोफेसर थे। सर आजकल कहाँ है वो? पता नहीं, वर्षों से उन्हें खोजने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहे। वो या था पता नहीं, वकालत के साथ साथ पढ़ाना भी छोड़ दिया था उन्होंने। सीनियर सिटीजन है, आशा करता हूँ कि जहाँ भी हो स्वस्थ हो ठीक हो। हाँ आजकल सीनियर सिटीजन को कितना रिस्क है, घर में चोरों का रिस्क तो रोड पर कांच का खटरा, और ये देखो कैसा फ्रीक एक्सीडेंट। अरे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट बॉल लगने से सीनियर सिटीजन का मौत। अनबिलीवेबल। विनोद तुम श्योर हो ना कि वो ट्रैकिंग का ग्रुप इसी तरफ गया है? अरे पक्का, देखो उनके जूतों के निशान यहीं से आगे की ओर गए हैं, समझे? चलो वी विल कैच अप। श्योर? श्योर। लेकिन विनोद मुझे ऐसा लगता है कि ये जंगल, ये रास्ता बहुत भयानक है, हम कहीं भटक ना गए हों। अरे नहीं तुम्हें डाउट है? तो तुम यहीं रुको और मैं जाकर आता हूँ, समझी? ओके टेक केयर, बाय।
डोंट वरी, मैं अभी आया। मेघा, विनोद, मेघा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मेघा, छोड़ो। ओह माय गॉड, सार। ठीक हो जाएगा। विनोद, 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 सांप देखा तुमने? नहीं। लेकिन उस वक्त जंगल में सिर्फ तुम और विनोद थे ट्रैकिंग करते हुए। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप चाहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। विनोद की डेथ सांप के काटने से ही हुई है। सांप ये ऊपर कमरे में मिला। ग्लव्स दे। वैसा ही बॉक्स डेट भी विनोद के मरने से 6 दिन पहले की। क्या तुम्हें पता है कि डिब्बा यहाँ कैसे आया? इसने विनोद जैसे कपड़े पहन रखे हैं। और ये इसके पैरों में क्या है? रस्सी? रस्सी नहीं, सांप। पहली बार होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। हाय दवे, दवे, लोधा केस के केस में जो एफआईआर लॉज हुआ था, केडीसो को उसकी कॉपी चाहिए। दवे, हेलो, ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी यार। दवे, आज मुझे पता चल गया तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तू इस उम्र में भी गुड़ियों के साथ खेलता है? मैं गुड़ियों के साथ नहीं खेल रहा, ये गुड़िया ही मुझसे खेल रही है। बड़ा अजीब कैसा है यार वरुण। क्या हुआ? चल छोड़ ना, रहने दे। अरे कुछ तो बोल। हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन। अच्छा, वुडू? क्या? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। सावंत, गाड़ी निकाल, मालाबार हिल जाना है। क्या हुआ दरे? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सब। चलो जल्दी। अरे कुछ तो बोल। चल। मिस्टर खोसला, ये तुम्हारी आंटी है? जी हाँ, ये मेरी चाची है, मिसेस निर्मला खोसला। और आपने फोन किया था कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ और इनकी मौत हो गई। जी हाँ, मैंने पहले डॉक्टर को फोन किया था और फिर पुलिस को। मिस्टर खोसला, हार्ट अटैक की मौत तो नेचुरल होती है, इससे पुलिस का क्या लेना है? मैं जानता हूँ कि हार्ट अटैक की मौत नेचुरल होती है और मेरी आंटी भी हार्ट पेशेंट थी, लेकिन ये मौत नेचुरल नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आपको याद होगा मैंने फोन करके वो उस गुड़िया के बारे में जिक्र किया था। जी, वो देखिए। आज सुबह ही एक अनजान व्यक्ति ने ये पार्सल मेरे चाची को भेजा था पोस्ट से, और जब मेरे चाची ने ये बॉक्स खोला तो उनके ही लिबास में लिपटी हुई ये डॉल उनको दिखी। और ये देखिए सर, दिल। दिल जिसमें एक दरार है। जी हाँ, हार्ट अटैक की निशानी। और जब मेरे चाची ने इसे देखा तो उनके पसीने छूटने लगे। और
दस मिनट के बाद उनको एक जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। आलोक बेटा, आलोक बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा। मिस्टर खोसला, ये सब आपको कैसे पता? उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने मुझे फोन करके घर पे बुला लिया था घबरा कर। आपका कहना है कि आपकी आंटी को उनकी जैसी गुड़िया मिलती है जिसके दिल में एक दरार है और उसे देखते ही उन्हें हार्ट अटैक होता है, उनकी मौत हो जाती है। हाँ, ये बहुत अजीब बात है और इसका जवाब नहीं मेरे पास। ये संभव कैसे हो सकता है? संभव हो सकता है मिस्टर खोसला, क्योंकि ये पहली बार नहीं तीसरी बार है। गुड़िया द्वारा मौत, गुड़िया द्वारा मौत। हेलो हेलो सर, एक बड़ा ही अजीब केस है। वुडू, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शहर में काला जादू, गुड़िया से हुआ मर्डर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या हो रहा है इस दुनिया में? सब जगह वुडू की चर्चा हो रही है। क्या लिखा है कि सारे चैनलों पर, मीडिया में, सब जगह वुडू की चर्चा हो रही है। डेली सोप में भी वुडू का ट्रैक डाला है। सास अपनी बहू को का वुडू डॉल बनाकर उसमें पिंस डाल रही। केडी, ये वुडू होता क्या है? वुडू बिली एक प्रकार का काला जादू है। अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत हुई थी। किसी व्यक्ति के बाल का गुच्छा या उसके किसी निजी सामान को लेकर एक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले के साथ में फिर जो भी व्यवहार करो वही उसी क्रिया का असर उस व्यक्ति पे होता है, ऐसा कहते हैं। ओह माय गॉड, मतलब डॉल के लेग को हम अगर मरोड़ोंगे तो वो लेडी का पाँव भी मुड़ जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है मेरी। ऐसा होता है सर। पगला गया है? दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और इस स्तर पर तू ये सब वुडू शुडू इस काले जादू में विश्वास रख रहा है? काला जादू नहीं सर, वुडू। हाँ वुडू, वही एक ही बात है, काला जादू वुडू। तू देख लेना इंस्पेक्टर दवे जब वो तीन पार्सल भेजने वाले को पकड़ लेगा ये पूरा केस रफा दफा हो जाएगा। तो तुम ही वो पोस्टमैन जिसने तीनों एड्रेसेस पे पार्सल्स डिलीवर किए थे? जी साहब मैं ही हूँ, पर मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं कि इनके अंदर है क्या। वो इन पार्सल्स पे जो पोस्टमार्क लगा है वो असली है साहब? बिल्कुल असली है, चाहो तो पोस्ट ऑफिस से भी चेक कर सकते हो। नहीं, वो तो मैंने चेक कर लिया है, उनका भी कहना है कि असली है। यानी कि मौत से पहले तीनों गुड़ियाएं इन तीनों एड्रेसेस पे पार्सल हो चुकी थी। पार्सल से ट्रेस नहीं हुआ तो इन गुड़ियों से ट्रेस करना पड़ेगा कि शहर में गुड़ियाँ बनाता कौन है। अरे सर, गुड़िया बनाने वाले का पता चल गया। मुंबई में एक ही आदमी है जो जादू टोने की गुड़िया बनाता है और अपने भक्तों को बेचता है। मुंबई में रहने वाला काला जादूगर मोगाबो। मोगाबो? यस सर। ये वही गुड़िया है जो पेपर में पड़ी जिससे लोग मरते हैं? वही है। जा, ले जा इस गुड़िया को। अब तू जैसे भी इस गुड़िया को नचाएगी तेरी सास वैसे ही नाचेगी। जा। तो आप भी हमारा एड देखकर आए गुड़िया बनवाने वुडू वाली। बोलिए किसकी गुड़िया बनवानी है, अपने बॉस की, बीबी की या बिजनेस पार्टनर की? गुड्डे गुड़ियों के साथ बहुत खेले मोगाबो, अब हमारे साथ एक नया खेल खेलो। चोर पुलिस, इंस्पेक्टर श्रीकांत दवे, मुंबई पुलिस। क्या बात कर रहे दवे, क्या हो गया है तुझे? ऐसा थोड़ी होता है, ठोस साक्ष्य भी तो होना चाहिए।
मैं क्या बोलूं, जैसा तुझे ठीक लगे। चल भाई। इंस्पेक्टर दवे ने मुंबरा के किसी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है इन हत्याओं के आरोप में। कहता है इसी प्रकार के पुतले बनाता था, इसलिए अरेस्ट किया है। पर हो सकता है कि वो तांत्रिक ने ही ये तीनों को मारा हो। नहीं मतलब कैसे की हत्या? सर पे क्रिकेट बॉल मारकर, या फिर वो क्या कह रहा था तू, सांप छोड़कर, और तीसरे को दिल का दौरा पड़ा। कोई ठोस वजह तो है नहीं, हत्या का औजार नहीं है, कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ उस तांत्रिक का केस ले लूं। What? पर तुम तो उसको जानते पर नहीं हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उसको नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर मैंने उसका केस ले लिया तो ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है, प्रचलित जो हो रहा है हमारे देश में, इसको रोक सकता हूँ। क्योंकि जब तक ये नहीं रुकेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और तू पर मुझे समझ में नहीं आता, युवा पीढ़ी का लड़का है ये, वुडू वुडू में कब से? सब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से। नहीं मतलब क्या हुआ था बता ना। तेरे सर पे क्रिकेट का बॉल लगा था, सांप बिच्छू कुछ आया था तेरे पीछे, क्या दिल का दौरा तो तुझे पड़ा नहीं होगा, क्या हुआ क्या था? सर छोड़िए ना सब। अरे बता ना, छोड़िए सर, आप यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन मैं वुडू में मानता हूँ सर। सर वुडू है सर। क्या बात। हाँ दवे बोल, अब क्या हो गया, अब किसको गिरफ्तार किया तूने? मैंने तो बधाई देने के लिए फोन किया था। वैसे डॉक्टर्स बिजनेसमैन के तो बहुत सारे केसेस लड़ लिए तुमने, अब एक काले जादूगर का केस लड़ रहे हो? हम लोग यही बात कर रहे थे, लेकिन मैं केस नहीं लड़ रहा हूँ उसका। वो तो कह रहा था कि तुम उसका केस लड़ना चाहते हो। किसका कहना है? मुगैबो का। और वैसे तुम उससे मिले कब? अरे मैं अभी तक उससे मिला ही नहीं, तो उसका केस कैसे लड़ूंगा? और अगर नहीं मिले तो उसे कैसे पता? ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। केडी साहब, आप भूल रहे हैं कि मैं एक काला जादूगर हूँ। यहाँ बैठे बैठे मीलो दूर आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ। मीलो दूर की बात छोड़िए, तो आपसे 3 फीट दूर खड़ा हूँ। बताइए इस समय क्या सोच रहा हूँ? यही कि मैं खूनी हूँ या निर्दोष। आपके दिमाग में चल रहे प्रश्न का उत्तर मैं खुद दे देता हूँ केडी साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। ये सत्य है कि मेरे तंत्र मंत्र और मेरे काले जादू में इतनी शक्तियां हैं कि मैं किसी का फायदा या किसी का नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस जेल खाने में बैठे बैठे अहमदाबाद में एक आदमी की उंगलियां तोड़ सकता हूं अपनी गुड़िया के द्वारा, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। योर ऑनर, ये काला आदमी, सॉरी काला जादू करने वाला आदमी मिस्टर मुगैबो। मिस्टर जायसवाल एक मिनट, इससे पहले कि आप इस केस को शुरू करें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस केस के पेपर्स पढ़े, एक काले जादूगर को आप 3 लोगों की मृत्यु से जोड़ रहे हैं। अगर आपका और पुलिस के केस का आधार काला जादू या वुडू है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अदालत इस मुद्दे को कभी नहीं मानेगी। यदि आपके पास मिस्टर मुगैबो के खिलाफ ठोस कानूनी सबूत हैं, जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एग्जामिन हो सकते हैं, तो आप बेशक इस केस की पहल कर सकते हैं। है ना सर? और सारी दुनिया जानती है योर ऑनर का आई एम जायसवाल झूठ तो कभी बोलता ही नहीं, बिना ठोस सबूत और गवाह के यूं ही कोई केस लड़ता ही नहीं। है मिस्टर मुगैबो के खिलाफ सबूत है, लेकिन योर ऑनर ये सारे सबूत कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू, उसी दिशा की ओर जाते हैं। इट्स अ केस ऑफ नोन प्लस अननोन, और प्रोसिक्यूशन को इस केस में आगे बढ़ने के लिए देखा और अनदेखा दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, और जो अनदेखा है उसको दिखाने की देर है। और योर ऑनर उसके लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे कि मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए योर ऑनर, ताकि इस खूनी को खूनी साबित कर सकूँ, ये जो काला जादू का पर्दाफाश कर सकूँ। योर ऑनर प्लीज, आई रिक्वेस्ट योर ऑनर प्लीज, थैंक यू। मिस्टर मुगैबो, आपकी आंख में तो है। सर इनका नाम मुगैबो है और ये मुमरा में रहने वाले काला जादूगर है। योर ऑनर, जो बेबस, लाचार, मजबूर लोग होते हैं, परेशान जो होते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और वुडू डॉल बनाकर उसमें ऐसे जान फूंकते हैं, और शायद ऐसे जान ले भी लेते होंगे, पता नहीं।
इन शॉर्ट योर ऑनर काला जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक। और आज मेरे पास मिस्टर खरकैनिस, मिस्टर विनोद सिंह और मिसेस खोसला, आई मीन उनके नाम की जो ये गुड़िया बनाई थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। और वो उनके घर पे भेजी गई थी वाया गाम देवी पोस्ट। और उसका ये पार्सल पे जो स्टैंप है वो भी है यहाँ पे, और ये असली है, इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है पाठक साहब। और ये जो गुड़िया थी योर ऑनर, मुझे तो कुछ नहीं होगा ना इससे भाई। ये तीनों की मौत से पहले भेजी गई थी। और योर ऑनर, ये जो गुड़िया बनाई है उनकी बनावट पे भी आप ही के उंगली के निशान है मुकैबो जी, अब क्या कहना है आपका? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये गुड़िया मैंने ही बनाई है, लेकिन इसको ये कपड़े मैंने नहीं पहना है, और नहीं मैंने ये बॉल, ये सांप और ये दिल लगाया है। किसी ने मेरी गुड़िया को नया रूप दिया है। लेकिन भेजी तो आपने ही थी। जी नहीं, बनाई तो आपने थी। जी तो हो गया साबित। वाहन चलाते हैं आप? आई हैव फ्लीट ऑफ कार्स, कई गाड़ियां हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं ऑटोमेटिक डैटसन में आया हूँ। तो जरा सोचिए, अगर आप ये आपकी ऑटोमेटिक डैटसन से किसी रास्ते चलते व्यक्ति को ठोकर मार दें तो ये मुकदमा किस पर चलेगा, डैटसन पर या आप पर? इतने सीनियर वकील हो के आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, इट्स कॉमन सेंस। ऑफ कोर्स मैं। हाँ तो फिर आप मेरे मुवक्किल जिन्होंने केवल ये गुड़िया बनाई है, बनाकर इनकी बिक्री की, तो जो खरीदने वाला है जिन्होंने गुड़िया खरीदी और इनका उपयोग किया आगे, तो मुकदमा तो उस पर, तो उसे ढूंढ कर लाइए आप। और फिर ये क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, कैसे मारा, कुछ समझाएंगे मुझे? गुड क्वेश्चन, साबित करूंगा लेकिन कुछ टाइम बाद। हाँ बोलिए ना। थैंक यू योर ऑनर, लुक एट द लेवल ऑफ प्रिडिक्शन। वुडू डॉल द्वारा, गुड़ियों द्वारा भविष्यवाणी, मिस्टर खरकैनिस के सर पर बॉल लगेगी और उनकी मौत होगी। तीन दिन बाद बॉल लगी और मौत हुई। मिस्टर विनोद को सांप काटेगा, सांप काटा, और मिसेस खोसला को दिल का दौरा पड़ेगा, बॉक्स खोला और दी एंड। जाहिर सी बात है कि मुगैबो जी को इन तीनों की मौत का पहले से पता था। कैसे? मिस्टर जायसवाल, क्षमा कीजिएगा, आपको एक बार फिर मैंने टोका, समझने का प्रयास कर। बात आपकी विचित्र है, पर एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये जो मेरे मुवक्किल है मुगैबो, ये आने वाले कल को देख पाते हैं, ये अंतर्यामी है, ये तो एक प्रकार की शक्ति हुई भविष्यवाणी करने की। अब मान लीजिए कि किसी अंतर्यामी ने, किसी महापंडित ने ये कह दिया कि 2014 में बाढ़ आएगी, और उस बाढ़ में आपकी जो ऑटोमेटिक डैटसन है वो बह गई। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हुआ, तो क्या आप उसका उत्तरदायी उस महापंडित को ठहराएंगे? क्या करेंगे आप? अग्रीड, मान गया आपकी बात को, इसीलिए तो आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू मिस्टर पाठक। लेकिन चलो मानते हैं कि बुरा कहना और बुरा करना दोनों में अंतर होता है, लेकिन योर ऑनर, अगर बुरा बोलने के बाद उसी तरह का बुरा हो और उसी से किसी इंसान का फायदा हो तो? नहीं मिस्टर जैसवाल, देखिए आपको टोकना पड़ रहा है मुझे, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ, स्पष्ट रूप से समझाइए। समझाता हूँ बाबू जी। क्या ये सच है कि टीवी पर, अखबारों में, मीडिया में, जब से इस वुडू की वजह से जो मौत हुई है उसकी जो चर्चा होने लगी, उसके बाद आपका ये जो धंधा है, सॉरी ये आपका ये जो ब्लैक मैजिक, सॉरी ये वॉट एवर यार, क्या कहते हैं उसको, बिजनेस हाँ व्यवसाय, आपका जो व्यवसाय है वो बढ़ गया है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है? सच बताइएगा। देखो मैं कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। जी मानता हूँ बढ़ा है पहला। योर ऑनर, पहले जहाँ पे इनके पास सिर्फ 2-3-5 लोग आते थे, अब अचानक 100-100 लोग आने लगे। दिन में कोई आता है अपनी, कोई बहू आती है अपनी सास पर वुडू डॉल का ये उपयोग करने के लिए, कोई बेटा आता है अपने बाप से जायदाद हथियाने के लिए, कोई आता है अपने बॉस पे जादू टोना करने के लिए। इन शॉर्ट, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी ढूंढी है आपने मुकैबो जी, अपना ये जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए। 3 मासूम लोगों की जान ली ताकि और लोगों को विश्वास आए वुडू डॉल्स पर और आपसे खरीदने आए। अब तक तो सिर्फ बच्चे डॉल से खेला करते थे, अपने बड़ों को भी उसकी लत लगा दी और डॉल्स बेचने लगे। मेरा वुडू ढोंग नहीं है,
असली है ये, यही मैं कह रहा हूँ असली है ये। पर अदालत नहीं मानती मिस्टर जायसवाल, ये अदालत वुडू को नहीं मान सकती। योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, जायसवाल साहब संभवतः कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम मेरे मोकिल मुगाबो ने एक पुतला बनाया, गुड़िया बनाई, जिसके सर पर क्रिकेट का बॉल लगा हुआ था, जो इन्होंने मिस्टर करकनिश को भेजा, और फिर कहीं छुप कर मिस्टर करकनिश जब बाहर निकले तो उनके सर पर क्रिकेट का बॉल दे मारा और उनकी मृत्यु हो गई, वो सुरक्षित आ गए। द्वितीय बार इन्होंने मिस्टर विनोद सिंह को एक ऐसा ही पुतला भेजा जिसके पास एक सांप था, और जब मिस्टर विनोद सिंह जंगल में गए तो इन्होंने उनके पाँव के पास सांप छोड़ दिया, उस सांप ने इन्हें काट भी लिया और वो स्वर्ग सिधार गए। तृतीय मिसेस खोसला के घर पे इन्होंने पुतला भेजा जिस पर एक दिल लगा हुआ था, और फिर ये कैसे हुआ, क्या इनके रूप को देखकर मिसेस खोसला संभवतः भयभीत हो गई और उनको दिल का दौरा पड़ गया, मतलब योर ऑनर कैसे 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 जसवंत? कहना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन आप सॉरी सॉरी कह के मुझे टोक तो रहे हैं। नहीं टोक नहीं रहा, दलील रख रहा हूँ। मैं साबित करूंगा ना। कब कब? नहीं आपने आपने पहले ये तो बोल ही दिया कि बॉल मारा, सांप से कटवाया, साबित कर दूंगा, मुझे मौका तो दीजिए, बोलने दीजिए ना योर ऑनर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मैं अनदेखे को अनदेखा कर सकता हूँ लेकिन देखे को अनदेखा कैसे करूँ? पाठक साहब जैसे टेक्स्ट बुक और थियरीज के आधार पर हम लॉयर बनते हैं, वैसे ही वुडू की भी एक टेक्स्ट बुक और थियरी है, उसी के आधार पे भाई साहब ब्लैक मैजिशियन बने हैं, और वो टेक्स्ट बुक मैं आपको दिखाता हूँ। योर ऑनर ये है वो वुडू की टेक्स्ट बुक, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुडू डॉल बनाने के बाद ब्लैक मैजिशियन अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, उसकी असर दिखाने के लिए कई तरीके हैं उसके पास, उसमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बालों का उपयोग करना। बालों का उपयोग करना, और इस बात को भी मैं सिद्ध कर देता हूं। योर ऑनर ये मिस्टर खटनिस की वुडू डॉल है और उसमें ये मिस्टर खटनिस के बाल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच हो चुकी है और ये साबित हो चुका है कि ये बाल मिस्टर खरखनिस के ही है, और ये गुड़िया आप ही ने डिलीवर करवाई थी, ये बाल उसमें कैसे आए ये क्या बता सकते हैं? लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, जब मैं उन तीनों को जानता तक नहीं था तो मैं उनके बालों तक कैसे पहुंचता? बोलिए, कुछ नहीं है बोलने को, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब के पास। इस केस का जो आधार बनाया है इन्होंने वो केवल ये वुडू शुडू काला जादू अंधविश्वास है योर ऑनर, अंधविश्वास, कुछ भी नहीं इनके पास। पाठक साहब। हाँ हाँ बोलो। भगवान में मानते हैं? क्यों नहीं, अगर मानते हैं तो वो भी अंधविश्वास हुआ ना योर ऑनर। ये भारत देश है, भारत देश कि जितने भी वासी हैं उसमें से 90% लोग इस तरह का काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह सब में मानते हैं, उनका विश्वास भी करते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं गलियों में शहरों में कि जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। ये अलग बात है कि असली कौन नकली कौन इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन है तो मिस्टर जायसवाल देश की जनता कुछ भी माने लेकिन अदालत काला जादू या वुडू को नहीं मानती है। लेकिन मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अदालत की अगली सुनवाई में अगर आपको मुगाबो के खिलाफ कोई दलील पेश करनी है तो आप वुडू और काला जादू से हटके किसी दूसरे मुद्दे को पकड़िए जिसका लेख संविधान और आईपीसी लॉज में है। एम आई अंडरस्टूड? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के साक्षी और साक्षियों के अभाव के कारण मैं अपने मुवक्किल के लिए जामीन की मांग रखता हूँ। द बेल इज ग्रांटेड। अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये वुडू वुडू का केस शुरू हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि तेरे कुछ तोते उड़े हुए हैं, तेरे चेहरे पर से मुस्कान चली गई है, क्या प्रॉब्लम क्या है बताना, मे बी आई कैन बी ऑफ हेल्प, टॉक टू मी। जयसवाल की कही बात सर। कौन सी बात जयसवाल की?
देखे को आदमी अनदेखा कैसे कर सकता है? देख वरुण, पहले मत बुझा मेरे साथ। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो तेरे मन की बात पढ़ लूंगा। साफ साफ बोल, क्या कष्ट है तुझे? What's the problem? सर, जब मैं 10 साल का था तब मैं अपने कजन के घर गया था कोलकाता में। उनके घर के पास एक वीरान सा खंडर था। एक दिन क्रिकेट खेलते हुए मेरी बॉल वहां चली गई और मैं उस बॉल को लेने के लिए उस खंडर में गया। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। क्या आप गुड़िया बनाते हो? हाँ हाँ बच्चा, मैं गुड़िया बनाता हूँ। चाहिए तुझे? हाँ। आओ मेरे करीब आओ। ये गुड़िया कोई मामूली नहीं है, बहुत ही खास गुड़िया है। मतलब ये कि चलती फिरती, जीती जागती जादुई गुड़िया। अच्छा हाँ अच्छा, तुझे इसका जादू देखना है, आजा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गुड़िया। हाँ छोड़ो, मुझे डर दो। ये मैं नहीं कर रहा बच्चा, ये तेरी गुड़िया कर रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना। हाँ मुझे गर्मी लग रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना। आइंदा इस खंडर में आना नहीं तो इस गुड़िया को चला के राख कर दूंगा। आया से बाहर। सब आज भी उस तांत्रिक का चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। सब सब उसकी आंखें, सब उसकी बनाई हुई मेरी वो गुड़िया, सब इट्स टेरिबल। सब सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सब तो जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने वुडू के बारे में पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ सर, उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो वुडू ही था। देख हो सकता है कि वो वुडू ना रहा हो, तेरे मन को वश में करके उसने ये सब हिप्नोसिस। नहीं सर, नहीं सर, ये हिप्नोसिस नहीं है सर, ये वुडू है सर। मैंने इस शक्ति को बहुत करीब से देखा ही नहीं, महसूस किया है सर। आज शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई शरारत या इत्तेफाक नहीं है सर, वुडू है सर, वुडू। यार अब तो मुझे भी डरा रहा है। बहुत मिस करता हूँ मामा को। थोड़े से खड़ूस थे पर दिल के बहुत अच्छे थे सर। ये बड़ा आलीशान बंगला है मामा जी का, तो जाने के बाद आप ही का हो क्या होगा, अर्थात उनकी मृत्यु से लाभ अच्छा हुआ। नहीं नहीं सर, मेरा घर है वसई में। मैं तो बस यहाँ मामा जी की कुछ यादें और घर की कुछ देखभाल भी हो जाती है, तो बस इसीलिए सर। एक्चुअली उनकी कोई औलाद तो थी नहीं, तो उनकी देहांत के बाद ये सब मुझे मिला। तो ये जो स्टंप्स होते हैं क्रिकेट के पिच पर, जो 3 स्टंप्स होते हैं, तो 2 स्टंप्स के बीच में कितना फासला होता है, दूरी कितनी होती है? सर आपको क्रिकेट में कब से इंटरेस्ट हो गया? नहीं सुना था कि आप क्रिकेटर हैं। यस सर, तो इसलिए पूछ रहा। 2 फिंगर का गैप होता है पर स्टंप। आप क्या बॉलर है ना, आपके उंगलियों से पता चल रहा है। बॉलर हूँ, प्रैक्टिस के दौरान लगी जाती और, है। और कितने विकेट्स लेते हैं आप ऐसे एक इनिंग्स में? सर इट्स डिपेंड ऑन लक की, जब हम फॉर्म में होते हैं तो एक ओवर में 3-3 विकेट भी ले लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी एक भी हाथ नहीं लगती। अर्थात ये आप क्रिकेट बॉल को टारगेट पर मारना, स्टंप्स पर मारना जानते हैं आप? ऑब्वियसली सर। चलिए छोड़ी ना ये सब बातें, क्यों कर रहे। वो जो दूसरे व्यक्ति थे जिनकी जिनकी मृत्यु हुई, विनोद सिंह, उनका पता तो नहीं जानते होंगे आप उनसे मिले नहीं होंगे क्या? सर मैं एक्चुअली जानता हूँ, बट ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ सांप काटा क्या। तो जिस समय आप वहाँ पहुँची, सांप विनोद जी को डस कर जा चुका था। हाँ मैंने सांप को देखा तो नहीं, लेकिन उसके काटे के निशान को देख कर समझ गई कि वो एक किंग कोबरा था। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। ये अनुमान आपने कैसे लगा लिया कि वो किंग कोबरा ही था? एक्चुअली सर मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ, इसलिए सिर्फ
काटने के निशान को देखकर पहचान सकती हूँ कि सांप की नस्ल कौन सी है। तो आपने अपने जीवन में कई सांप हैंडल किए होंगे? ऑफ कोर्स, कॉलेज में तो मैं सांप के मुंह को ही पकड़कर उससे जहर निकाल लेती थी। अच्छा। और मुझे सांपों से डर नहीं लगता, अक्सर मैं उन्हें लेकर। सर, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही लोगों की कार्यशैली के बारे में जानने से आनंद मिलता है मुझे। तो अपनी चाची को मृत पाने के बाद सबसे पहले आपने पुलिस को फोन किया? पुलिस को नहीं, मैंने अपने हॉस्पिटल में फोन किया था। और आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ के BMG गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर हूँ, और मेरे चाची ने मुझे फोन करके इसलिए बुलाया था कि मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकूँ, लेकिन मैं समय पर पहुँच नहीं पाया। ट्रैफिक, यू नो। हाँ, शहर में आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। साइकिल क्यों नहीं ले लेते? क्या है कि ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे, वातावरण के लिए भी अच्छा है, और थोड़ा बहुत वजन भी कम हो जाएगा। बाबा जी, मुगैबो जी, आंखें खोलिए ना। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं आप? ढूंढ रहा हूं उसे जिसने मेरी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई दिखाई दिया क्या? अंधकार, घोर अंधकार। और जब उसे ढूंढना मेरे लिए इतना मुश्किल है, आपके लिए तो और मुश्किल होगा। नहीं, अब तो आपके लिए आसान हो गया है। अगर अदालत में IM जायसवाल साहब सबूत न खड़ा कर सके तो आप तो बरी हो जाएंगे, बस खत्म। ही डजंट ड्रिंक कॉफी। पियेंगे? पीते हैं कॉफी आप? नहीं नहीं पीते, थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त हो जो बदले की भावना रखता हो, इसीलिए ये सब कर रहा है? मेरे भक्त तो भगवान मानते हैं मुझे। ये काम किसी दुश्मन का है। अच्छा। और मैं जानता हूँ वो दुश्मन कौन है। तो मुझे बताइए ना, कौन है आपका ये दुश्मन? मेरा गुरु। मेरे अलावा इस वुडू की कला में वही माहिर है। नफरत करता है वो मुझसे, मार्केश। कटा में रहता है, लेकिन अभी वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं है वो। मुंबई में? मुंबई में, बहुत करीब, बहुत करीब है वो। केडी से नहीं? बाहर क्या है मुकाबो के साथ? ये आप क्या देख रहे? पोस्ट में अभी ये पार्सल आया है तुम्हारे लिए। मेरे नाम का? दिखाए। ये तो वैसा ही बॉक्स है जो उन तीन लोगों को मिला था। इसमें मुकाबो। क्या हो गया? कोई मर गया क्या? इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? सर, मेरे नाम का पार्सल आया। खोल के देख, अंदर गिफ्ट होगा। नहीं सर, मैं नहीं खोलूंगा। क्यों? इसमें वुडू डॉल है। तुझे कैसे पता इसमें वुडू डॉल है? सर, क्योंकि उन तीन लोगों को भी ऐसा ही पार्सल आया था और उसमें वुडू डॉल थी। अच्छा, मैं खोलूं? हाँ प्लीज। है तो वुडू डॉल ही। वरुण का वुडू डॉल? प्लीज उसके ऊपर चेक करो कि कुछ है तो नहीं। सर बॉक्स में चेक कीजिए सर, सांप या चाकू तो नहीं है इसमें? खाली डब्बा है वरुण, एम्प्टी बॉक्स। और बिली, इसकी शक्ल कहां से वरुण से मिलती है क्या? हाउ कैन यू से इट्स वरुण्स डॉल? हिज नेम। नाम तो तेरा ही है, कपड़े भी तेरे से पहनाए इसको। सर, इसके सर को क्या हुआ? गॉड, वो सीनियर सिटीजन के वुडू डॉल के ऊपर क्रिकेट बॉल था और वो क्रिकेट बॉल से मरा।
और वो दूसरा वूडू डॉल के ऊपर सांप था और वो आदमी सांप से मरा और वो तीसरे को हार्ट अटैक आ गया। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिलाई विलाई निकल गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिली रिलैक्स, एक मिनट, क्या है ये देख, नाम भी तेरा नहीं है, तेरा नाम वरुण झवेरी है, इस पे वरुण झवेरी लिखा हुआ है, इट्स नॉट योर नेम। सर स्पेलिंग से क्या होता है सर, पुतला तो मेरा ही है। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ सर, प्लीज सर, सर मैं घर नहीं सर, वरुण सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.